चर्चा सुनाना और सुनना ये बड़ा सौभाग्य वाला एक समय होता है। कुछ हमारे भाई या कुछ हमारी बहनें ऐसी थी जिनको बिस्तर की बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी थी, घर कहीं चला ना जाए, आज की नींद कहीं बर्बाद ना हो जाए या बिस्तर कहीं चला ना जाए, लेकिन जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है तो खोवत है। हरी चर्चा जब कभी भी इस तरह के हमारे आयोजन लोग देखिए कितनी बड़ी मेहनत से पंडाल बनाया है, बड़ी मुश्किलों से प्लान बनाया है और कलाकार लोगों को दूर दूर से बुलाया है, लेकिन जिनको नींद प्रिय थी वो नींद के आगोश में चले गए। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए होनी चाहिए। क्या बात है, विश्वास में लाते हैं। आगे क्या कहते हैं, शिव धनुष भंग प्रभु करके आए सीता मर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता मर के, घर त्याग भय मनवासी पितु की आज्ञा धर के, घर त्याग लखन से आले संग छोड़ी रचना।
थोड़ा थोड़ा विश्वास आने लगा माता जानकी को। बोला ये लंका में और ये कौन कथा सुना रहा है राम जी की? हनुमान जी और आगे क्या कहते हैं, खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके उस जनक सुत सीता को ले गया छल बल से, उस जनक सुत सीता को छल बल से ले गया हर के बड़ा दुख पाले अभी माता को पूर्णतः विश्वास हो गया है कि वो हो ना हो कोई भगवान का भेजा हुआ दूत है। और सीता जी के सामने तुरंत हनुमान जी खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं, श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बनवायो, श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बनवायो, सीता मां की सेवा में रघुवर को संदेश सुनायो, सीता मां की सेवा में रघुवर को संदेश सुनायो। सिर्फ संदेशा नहीं मातेश्वरी, मंच पर बैठ जाएं सभी लोग, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन गड़बड़ होता है। कहते हैं कि मातेश्वरी मैं सिर्फ संदेशा नहीं कुछ निशाने भी लाया हूं, सीता मां की सेवा में रघुवर को संदेश सुनायो, सीता मां की सेवा में रघुवर को संदेश सुनायो, और संग